नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। तकरीबन तकरीबन 5 बजे से इकरा हसन के यहाँ पर जो इनका कार्यालय है गंगोह में, वहाँ पर है, भीड़ बहुत है, काम कर रही हैं, मुस्तकिल फोन कर रही हैं, सुपरफिशियली तो काम हो रहा है, अब बाकी ये तो बाद में पता चलेगा कि ये जहाँ फोन करती हैं वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और इसका सारी चीज़ों के बारे में हम माननीय सांसद से भी कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन अभी लोगों का हुजूम भी बहुत है और सांसद जी लोगों के काम भी कर रही हैं, मुस्तकिल फोन पे लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में हम सांसद जी से बात करेंगे। चित जी हमारे साथ हैं, माननीय सांसद इकरा हसन जी जी, और आज हम इनसे एक बहुत रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अभी आया है, अभी वन नेशन और वन इलेक्शन बीजेपी ने दिया है क्योंकि अभी अध्यादेश देगी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरलिज्म जिसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत मजबूती दी गई है। सब जगह एक ही समान वो नहीं रहेगा, इससे जो प्रदेश है और जो छोटे प्रदेश है उनके अलग तरीके के जो मामले रहते हैं उससे ध्यान रखकर सिर्फ एक ही पॉलिसी बनी जाएगी जो हमारे पूरे देश पर लागू होगी। हालांकि हर क्षेत्र में जितने भी हमारे छोटे राज्य हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से राजनीति। लेकिन मैम 1967 और 70 से पहले तो वन इलेक्शन वन नेशन था, तो जब कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर बीजेपी खर्च बचाना चाह रही है एक साथ इलेक्शन कराते तो दिक्कत कहाँ पर? दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मामला है इससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोरी मिलेगी और उसके हम बिल्कुल हक। लेकिन मैम 1970 से पहले क्या कमजोर था फेडरल सिस्टम? तो उसको सुधारा गया क्योंकि तब तक हमारा जो देश था वो नया नया आज़ाद हुआ था, नया बना था, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो फिर ये बेहतर समझा गया कि फेडरल स्ट्रक्चर को, सेंट्रलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, हमें फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए। लेकिन मैम ये स्ट्रक्चर की वजह से नहीं हुआ था, असेंबली बंद की गई थी उसकी वजह से हुआ था। बिल्कुल, और तब से अब यही हमारे यहाँ का दस्तूर है और हर राज्य की अलग राजनीति है। अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो राज्य के जो विशेष मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। मैम जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया है उसका आपकी क्या राय है? देखिए उसके तो हम पूर्ण तरीके से खिलाफ हैं और खिलाफत रहेगी। ये हमारे जो अपनी जो चैरिटेबल पर्सनल बोर्ड की ट्रस्ट है उस पर एक सीधा सीधा अटैक है, ये मुसलमानों के हक और हकों पर अटैक है जिसका हम पूर्ण तरीके से विरोध। लेकिन मैम ये तो आधा सच है, बीजेपी जो कर रही है वो गवर्नमेंट बॉडी में ला रही है डीएम को, डीएम को सांसद या जो मिनिस्टर होते हैं वो कवर कर सकते हैं, सरकारें बदलेंगी। अभी जो सच्चाई है वो ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें फुट फुट करी जा रही हैं, चाहे वो लीज के नाम पे हो चाहे मजारों के नाम पे हो, तो अगर वो उसको सेंट्रलाइज कर कर उसको गवर्नमेंट के अंडर में लाकर अच्छा काम कर रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है या आपकी पार्टी को क्या? नहीं, मेरी सिर्फ पार्टी को नहीं, पूरे विपक्ष को और देश के पूरे मुसलमानों को इससे दिक्कत है, शायद आपको भी होनी चाहिए तो बेहतर होगा। नहीं मैम हमारा कोई साइड नहीं है। नहीं, आपका होना चाहिए, पॉलिटिक्स तो पर्सनल होती ही है, आपका भी होना चाहिए और मुझे पर्सनली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे मजहब के लिए जो वक्फ की गई थी ज़मीन है उनके साथ खिलवाड़ होने का प्रयास है जिसके हम खिलाफ हैं, और इसमें डीएम को लाकर किसी भी और चैरिटेबल ट्रस्ट में, चाहे आप सिख प्रबंधन कमेटी हो, किसी मंदिर की प्रबंधन कमेटी हो, वहाँ पर ना तो कोई डीएम उसका मेंबर होता है ना किसी और मजहब के लोग उसके मेंबर होते हैं, ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है और वक्फ बोर्ड भी उसी तरीके से है, तो इसमें जो भी अंदर से रिफॉर्म्स आने होंगे उसके लिए वो सजेशन दे सकते हैं, हम खुद रिफॉर्म्स करेंगे, जो इंटरनल बॉडी है वो अपने आप रिफॉर्म्स करेगी, सरकार को ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में दखल देने। लेकिन मैम एक बात है, कुछ लोग हमारे साथ हैं और आज इकरा हसन के परिसर में हम यहाँ पर हैं और हम लोगों से बात करेंगे, पता करेंगे हमारी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो कैसा काम कर रही हैं और लोगों के साथ उनका बिहेव कैसा है, क्योंकि बहुत से लोगों को कभी कभी शिकायतें हो जाती हैं कि मोबाइल नहीं उठाती, लेकिन अभी यहाँ पर सच्चाई का पता होगा, फैक्ट चेक होगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जी। आपका नाम? सुशील। सुशील जी आप कहाँ से हैं? लोकल गंगो से। लोकल गंगो से हैं, ये बताइए आपके क्षेत्र में अभी गंगो से इकरा चौधरी जी निर्वाचित हुई हैं, एमपी बनी हैं, तो कैसा काम कर रही हैं? वैसा तो नेता नहीं होना यार,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता ही नहीं होना जैसा इकरासन है। ऐसा क्या अलग उन्होंने काम कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है? जन समस्या भी सुन रही, बराबर निरंतर लगातार प्रयास कर रही, इससे फालतू और क्या होगा, विकास भी होगा, सरकार निधि डाल लेगी तो विकास भी होगा। किस तरह की जन समस्याएं उनके द्वारा सुनी जा रही हैं? लगभग सारी समस्याएं हैं। देखिए, सरकार जब इलेक्शन हुआ था, सांसद बनी थी, तो तीन बिंदुओं पर इलेक्शन हुआ था, शिक्षा, रोजगार और विकास। इन तीनों में से किस बिंदु पर अभी तक सांसद जी ने काम किया है ये बताइए। विकास तो लगभग चलेगा, निधि आओगी, विकास भी चलेगा। नहीं, जन समस्या लोगों की सुन ली, लगभग निरंतर कार्य चल रहा वो ठीक है। आप देख लो, हजारों के दरबार लग रहा, भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो किसी का बिजली का मामला है, किसी का खाने का मामला है, इस तरह के लोग हैं, लेकिन वो साउथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आई है, उनकी काबिलियत को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं ये बताइएगा। शिक्षा पे भी जोर होगा। हाँ जी, मैं बताऊँ आपसे। जी, आपका नाम? मेरा नाम AMD जुनेद चौधरी कहते हैं मुझे जी। इनको जैसे ही यहाँ जन समस्या सुनती है, चाहे वो विद्युत विभाग की हो, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, ये यहाँ से अपना लेटर जारी करती है। जो प्रार्थी गाँव से आते हैं समस्या लेकर के, तो इनको एक लेटर जारी किया जाता है, फिर जा कर के DM सर से मुलाकात करती है, SC साहब से मुलाकात करती है, कमिश्नर साहब से मिलती है। यहाँ से जा कर के जब छोटे अधिकारी नहीं इनकी सुनते, तो बड़े अधिकारियों से मिलती हैं, तो ग्रेजुएट होने का ये फायदा है। आप पहले जो हमारे सांसद थे माननीय प्रदीप चौधरी जी, और इकरा हसन जी, इनमें आप कितना फर्क कहते हैं और क्या कुछ इनमें अलग है? देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रदीप जी थे वो ठंडे किस्म के आदमी थे, वो लोगों के में इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन पब्लिक को सांसद अपना बदलना पड़ा मजबूरी कारण। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि ये एक्टिव थी, इनके पापा एक्टिव रहे, इनकी अम्मी एक्टिव रही, इसलिए इनको सांसद चुना पब्लिक ने। आपने जैसे अम्मी के बारे में कहा, तो उनके एक्टिव होने से कितना कुछ विकास हुआ था, कुछ आइडिया बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। मेरा गांव पड़ता है हरियाणा बॉर्डर पे, 1942-43 में वो UP के बंटवारे में आया था, वहाँ कोई भी RCC किसी सांसद ने, किसी विधायक ने इस क्षेत्र के गंगो विधानसभा के नहीं दी थी, लेकिन इनकी अम्मी ने तकरीबन 200-300 मीटर की RCC दी वहाँ पर। अभी आपकी क्या आशाएं, क्या उम्मीदें हैं इकरा जी से? इकरा जी से हमारी शिक्षा की उम्मीद है, एक तो कि हमारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी अगर ये शिक्षा विभाग के अधिकारी BSSR से मिलते रहे, और हमारी बिजली लाइट जो भी परेशानी है, जो इनके लायक काम है धरातल का, वो इंशाल्लाह होगा सब। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अभी प्रश्नकाल हुआ था संसद में, सवाल उठे थे जी, तो माननीय इमरान मसूद जी ने, इकरा जी ने शाकुंभर वाले रोड के बारे में तो प्रश्न उठाया था, लेकिन हमारा गंगो से लेकर और ये जो जितना क्षेत्र इनका पड़ता है पठेर तक, वहाँ पर रोड की हालत खराब, पुल नहीं है, उसके बारे में क्यों नहीं उठाया? प्रायोरिटी जनता का हक यहाँ का है ना, तो प्रायोरिटी इस जगह को क्यों नहीं दी? देखिए, सांसद जी वहाँ पर जैसे बोलने लगी थी, पहले उनको बड़े मुद्दे सुनाने थे, पहली स्पीच थी उनकी, अब रही बात दूसरी स्पीच की या तीसरी की, जोन सी भी आएगी, उनमें सारे मुद्दे ये अटेंड कर लेंगे। नहीं, लेकिन ये बताइए, अपने क्षेत्र से ज्यादा बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? नहीं, वो भी देखिए, एक सांसद है पूरे भारत, और वो तो इमरान मसूद जी ने उठा दिया था। नहीं, इमरान मसूद, उनका भी जिला आधा ये पड़ता है, इनका भी पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो सहारनपुर में लगता है। कौन सा? जो शाकुंभर मार्ग है वो बेहट में लगेगा और सहारनपुर। चलो, वो तो एक दो सांसद अगर एक बात को उठा रहे हैं तो वो जल्दी ऊपर आएगी। तो यानी इकरा हसन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, है ना? चलिए, अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे, इन्होंने बताया। चलो, हाजी नाम साहब, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव रोशनपुर उर्फ चंदपुरा है, किसान, राष्ट्रीय किसान यूनियन नई क्रांति गंगो ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आप जो यहाँ पर आए हैं, किसी काम के सिलसिले में आए हैं या सिर्फ इकरा जी के साथ फोटो खिंचाने आए हैं? नहीं, हम तो काम के लिए आए यहाँ, इकरा के हसन के साथ फोटो खिंचवाए का फायदा क्या है? इकरा हसन काम करवा रही, हम काम लेने के लिए आए हैं, पब्लिक जो है पब्लिक के काम के लिए आए हैं। भूतपूर्व सांसद और
अब जो हमारी निर्वाचित सांसद हैं, इसमें आप किस तरह का फर्क देखते हैं? उसमें इतना फर्क देखते हैं, वैसे तो हम बुराई नहीं करेंगे, सांसद थे वो चले ठंडे थे, लेकिन उनकी हमें 5 साल के अंदर शकल भी नहीं देखी, और इकरासन आयुषुमार हमें मिल रही है, पब्लिक के बीच में आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है और नेताओं की तरह फोन किया और बात खत्म हो गई, फिर देखती नहीं कि जो इशू था रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? इसमें ऐसा है कि जो ये अपना फोन करती है कहीं या लेटर देती है, अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मालिक ने खुद अधिकारी के पास जाकर अपना काम लेती है पब्लिक का। आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और आपका जो विकास है उसके बारे में? हम इससे उम्मीद लें कि इंशाल्लाह ये बच्चे हमारी इंशाल्लाह सबसे ऊपर उठेगी इंशाल्लाह। अभी तो लोगों में बहुत क्रेज है इकरा हसन का और लोग जो है कह रहे हैं कि काम होगा, वो समय बताएगा, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने का वक्त हुआ है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी जी, आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब कहाँ से हैं? सहारनपुर। जी मोहम्मद शहजाद साहब सहारनपुर से आए हैं, वहाँ पर तो सांसद इमरान मसूद जी हैं, आप यहाँ कैसे? बस मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए हैं इतनी दूर सिर्फ? आपका कोई काम नहीं है? ये काम भी है, थोड़ा सा बच्ची है हमारी, उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ मशवरा कर। लेकिन सहारनपुर के सांसद ने वो काम आपका नहीं किया, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, वो भी करते हैं, और यहाँ से भी हमारे ताल्लुक हैं इनसे। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सरकारी नहीं होते, प्राइवेट होते हैं अपने, यानी घरेलू मामले, उसके बारे में कुछ बातचीत कर। नहीं वो सही है, लेकिन अगर आपको सहारनपुर छोड़ के गंगो आना पड़े तो ये तो फेल्योर है सहारनपुर के सांसद का। नहीं नहीं, वो भी काम करते हैं, वो भी फोन पे आते हैं इमरान मसूद साहब, आधी रात को भी फोन करेंगे, वो भी आना। तो कहीं सेल्फी जीवी तो नहीं है आप भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, कैसा काम कर रही है इकरा जी? बहुत अच्छा। वो जो मैं असल में आप जो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, चूँकि सेंटर में सरकार कुछ और है और ये चूँकि सपा से हैं, अब ये भी तो मजबूरी है ना। अब जैसे केजरीवाल हैं तो अब वो चूँकि जब उनको सेंटर से पैसा नहीं मिलता और वो सड़कों पे आए कई मरतबा, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया कि भाई सेंटर में हमारी केंद्र में सुनवाई नहीं, नहीं हो रही। हम लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि, हम कह रहे हैं कि वो सवाल उठाएं, वो जागरूक करें, उस बारे में हम कह रहे हैं। वो तो हमें भी पता है कि जो ग्रांट मिलेगी सेंटर से मिलेगी, लेकिन जो इनका अपना काम है, जो हमने जिस लिए चुना था, वो अपना काम, वो अपना काम कर रही है। आप कैमरा मारिए, देखिए चारों तरफ, दिखाओ भाई कैमरा दिखाओ, ये कह रहा है कितनी भीड़ है देखिए। लेकिन कुछ लोगों का ये और ये अब से नहीं है, ये लगभग 4:30-5 बजे से ये है और अभी 9 बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आधे तो लोग वहाँ सेल्फी लेने जाते हैं, कुछ कहते हैं फोन नहीं उठाते, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक बंदे से देखिए, आप खुद जाके देखिए, एक एक बंदे को सामने बिठा के पूछ रही है भाई क्या काम है तुम्हारा, और बराबर में 2-3 आदमी और बैठे हैं हेल्प के लिए कि भाई इनका मसला सुनो इनका। मैं खुद भी आया था हमारे यहाँ, भी एक एक्चुअली वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके पीआरओ जो है वो फोन रिसीव नहीं करते हैं, कितनी सच्चाई? इसमें क्या होता है जब इतने सारे फोन आएंगे तो बहरहाल बिजी भी जाता है, तो उसमें ये तो आपको आप भी जानते हैं। तो यानी रिपोर्ट पॉजिटिव है भाई अभी तक के, और फोन भी हमारा तो फोन उठाया था, हमारे से बात भी की थी, हमें बुलाया भी गया था कि आप आ जाओ, लेकिन अभी और लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे। चलिए, उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी।